Good morning, my wonderful Vidyashriyan. I hope you all are fit and fine and enjoyed your holidays as well. Welcome back to your social science class with your teacher Jyoti Arya. In today's class, we are going to read chapter number 2 from history, that is from hunting gathering to growing food. So without wasting the time, let's start. From hunting gathering to growing food. But before we start our today's class, students, tell me how you people travel from one place to another in the city or out of the city. I'm sure most of you are coming or going with your personal vehicle with your parents or using public vehicle. We have various means of transport to travel from one place to another these days. Do you think people thousand and thousand years ago travel the same way as we travel? No, they don't. As you are wondering how do the people travel in olden times, similarly a boy named Tushar who was traveling to Chennai from Delhi in a train wandered the same way. Now let's have a closer look what we are going to learn in this lesson. Number 1, the earliest people, why were they on the move? Who were the earliest people aur wo ek jagah se dusri jagah kyon ghumte rehte the? How do we know about these people? Inke bare mein hum kaise jante hain? Choosing a place to live in, kaise unhone ek place par rehna shuru kiya? Finding about the fire, कैसे उन्होंने fire की खोज की? Names and dates, a changing environment, a new way of life towards a settled life, कैसे उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया? A closer look, living and dying in Mehrgarh. So number 1 is the earliest people, why were they on the move? We describe people who lived in the subcontinent 2 million years ago as hunter-gatherers. कि 2000 साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें hunter-gatherers कहा जाता था. और ये क्यों कहा जाता था? Hunter means मारकर खाने वाले, किसी भी एनिमल को या बर्ड को इस तरह से. और गैदरर मीन्स इकट्ठा करने वाले, फूड को इकट्ठा करके या किसी को मारकर खाने वाले हंटर गैदरर्स. दिस नेम हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स फॉर देयर फूड. हंटर गैदरर्स मूव्ड from place to place because of the following reasons. Number 1, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. 4 वो कारण थे कि जिसकी वजह से hunter gatherers एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. और उनमें से number 1 है कि अगर वो लोग एक ही प्लेस पर रुकते तो वहाँ की जो अवेलेबिलिटी थी फूड की, प्लांट की, एनिमल्स की, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती. नंबर 2, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दीज पीपल हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स फॉर हंटिंग पर्पसेस. और क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, जाते हैं, तो ये इन हंटर गैदरर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था उन्हें हंट करने के लिए. नंबर 3, पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. लोग सीजन के चेंज की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. नंबर 4, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स फ्रॉम देयर प्लेसेस. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें पता है कि एनिमल्स वाटर रिसोर्सेज के पास ज़रूर आते हैं और बैंक्स और रिवर्स के पास तो खासकर से,
तो ये हंटर गैदरर्स भी ज़्यादातर रिवर्स या बैंक्स जो सीज के उनके ही आसपास रहना पसंद करते थे, वहीं पर ही घूमते रहते थे ताकि वो एनिमल्स को हंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि कैसे हम इन लोगों के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने वो चीज़ें उन्हें मिली है जो कि इन हंटर गैदरर्स ने यूज़ की, और वो क्या थी, दे मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, के पत्थर से बने हुए जो टूल्स थे जो वो एनिमल्स को ही हंट करने के लिए यूज़ करते थे वो सबसे ज़्यादा चलने वाले उनके टूल्स थे। उन्हीं टूल्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि दीज पीपल दीज हंटर गैदरर्स वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन एंड स्क्रेप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, के ये टूल्स जो थे इतने शार्प थे कि ये मीट या बोन या ट्रीज़ की स्किन भी स्क्रैप करने के लिए ईजिली यूज़ किए जाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, जो दूसरे टूल्स थे पत्थर के अलावा स्टोन टूल्स के अलावा वो ओनली वुड को चॉप करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट स्टोन टूल्स मे हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स एंड राइट वन साइड इज स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, कि इन टूल्स की हेल्प से या तो प्लांट्स जो ज़मीन से डिग करके वो निकालने थे उनको वो या लगाने थे एडिबल रूट्स उनकी यूज़ करनी थी तो ये स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, के एनिमल्स के स्किन से जो वो स्टिच कर कर अपने क्लोथ्स पहनते थे उनमें ये स्टोन्स टूल्स यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेसेस हैविंग द फॉलोइंग अवेलेबिलिटी, कि इन कारणों की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक जगह पर ही सेटल्ड रह सकते हैं। नंबर वन, they lived near to the sources of water such as rivers and lakes. So first our priority is water. Without water, as we cannot survive, as you all know. So that time also they decided to live at first near the rivers or lakes. People tried to find places where good quality stone was easily available as it was important for हंटिंग। उन लोगों ने वो जगह ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की, गुड क्वालिटी जहाँ पर स्टोन की मिल सकती थी, पत्थर जहाँ शार्प टूल्स बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते थे उस जगह को भी वो प्रेफर करते थे रहने के लिए। फाइंडिंग अबाउट द फायर, ट्रेसेस ऑफ ऐश शो दैट द पीपल एट दैट टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर, कि उस टाइम में जो हमें राख, ऐश मीन्स राख का थोड़े से पीसीज या अवशेष उसे बोलते हैं, उसकी वजह से हमें पता चला कि शायद उस टाइम में उन्होंने फायर को इन्वेंट किया होगा। इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, जो कि बहुत चीज़ों के लिए यूज़ की गई। नंबर वन, एज अ सोर्स ऑफ लाइट। नंबर टू, टू रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए, टू स्केयर अवे एनिमल्स या फिर एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। नेम्स एंड डेट्स, इन दिस सेक्शन वी हैव थ्री काइंड ऑफ टर्म्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो meaning old and lithos means stone,
लिथोस का मतलब है पत्थर और पेलियो मीन्स ओल्ड, पुराना पत्थर. तो द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. कि सबसे पुराना जो पीरियड है वो उसे पेलियोलिथिक पीरियड ही कहा जाता है, जो कि 12,000 साल पहले से है. मेसोलिथिक, दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मेसो मीनिंग मिडिल, बीच का, एंड लिथोस मीन्स स्टोन, बीच का पत्थर. पेलियोलिथिक से थोड़ा स्ट्रोंगर कम. दिस पीरियड बिगिंस फ्रॉम अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, एंड इट इज द पीरियड when major environmental changes started to happen. Stone tools found during this period and generally tiny and are called microliths. के इस वक्त में जो पत्थर मिले उन्हें microliths कहा जाता था, जो कि छोटे थे इसलिए microliths उन्हें कहा जाने लगा. Number 3 is Neolithic. The Neolithic is the youngest part of the Stone Age. It comes from two words in Greek words. Neo means new and lithos means stone. This period begins from about 10,000 years ago. A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions, which led to the development of grasslands in many areas. 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट चेंजेस हुए उसकी वजह से ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ. दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. और उन ग्रासलैंड्स की वजह से उन एनिमल्स का जन्म हुआ, डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, जो कि ग्रासेस पर ही सर्वाइव होते थे. सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर पीपल. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स, पीपल केम टू नो अबाउट ग्रोइंग वीट, बार्ले, राइस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दिस इज हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फार्मिंग. डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रासलैंड्स के लोगों को ये पता चलने लगा था कि कैसे वो वीट, बार्ले, राइस को ग्रो कर सकते थे अपने अपने सब कॉन्टिनेंट्स में. दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. इस तरह से उन्होंने फार्मिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की. पीपल ऑल्सो अटैच्ड एंड देन टेम्ड एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. Number 3, the first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Number 4, animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds. Herds means groups, and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. A new way of life. People had to stay in the same place for a long time. क्योंकि अब वो farming and herding खुद करने लगे थे, तो उन्हें एक जगह पर रुकने की ज़रूरत महसूस होने लगी. Looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. Then they start thinking of storing the grain for food and seeds. अब जबकि वो खुद ग्रो करने लगे थे ग्रेन्स को, तब उन्होंने सोचा कि नाउ हाउ टू स्टोर देम, हाउ टू स्टोर दी सीड्स एंड ग्रेन्स. दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वूव बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड. उन्होंने ज़मीन के ही अंदर या तो बहुत गहरे गड्ढे खोदे या फिर वूव बास्केट्स उन्होंने बुननी शुरू की, और या फिर क्ले पॉट्स, मिट्टी से बने बर्तन बनाए उन्होंने. स्टोरिंग एनिमल्स दैट आर
reared can be used as a store of food. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites, which shows that people have a stable life. Archaeologists ko kafi jagahon par huts or houses ke bhi traces mile, jisse unhone andaza lagaya ki ye in logon ne hunter gatherers ne stable life bhi ji hai. They have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people used to cook food either indoors or outdoors. Stone tools have been found from many sites. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles. Mortars and pestles are used for grinding grain. Even today, have you seen at your home? Just ask your mama to show you mortar or pestles that you can see in this picture, second one picture. Apart from these tools, some of the tools were also made of bone. Number three, many kind of earthen pots have also been found. These were used for decoration and for storing things. People also began weaving cloth using different kinds of materials, for example, cotton. A closer look, living and dying in Mehrgarh. Mehrgarh was one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. At this village, many animal bones were found. Other finds at Mehrgarh include remains of square or rectangular houses. When people die, their relatives and friends pay respect to them. The dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. Ke jo insaan us waqt mar jate the, unko goat ke saath dafnaya jata tha. Kyon? Taki ये उस टाइम की मान्यता थी. वो लोग ऐसा सोचते थे कि उन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए भी फूड मिल जाएगा. सेवरल बरियल्स वर हैव साइट्स हैव बीन फाउंड इन एट मेहरगढ़. होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन आस्क इन योर जूम सेशन. ओके, till then, take care. Goodbye.